तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर मंथली टेस्ट जुलाई का पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं। जैसा कि आप सब लोगों को पता है प्यारे विद्यार्थियों कि एमपी के सभी स्कूलों में आपके जुलाई महीने के टेस्ट आरंभ हो चुके हैं, तो ऐसे में आज हम यहाँ पर इंग्लिश का क्लास टेंथ का जो आपका टेस्ट पेपर आया है उसका पूरा का सॉल्यूशन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सब लोग इस वीडियो को पूरा देखकर ज़रूर जाइएगा, क्योंकि देखिएगा जो आपका टेस्ट पेपर है ना उसका पूरा का सॉल्यूशन आज मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तो देखिएगा पेपर कुछ इस प्रकार का है, आप सब लोगों ने इसे तो देख लिया होगा। टाइम आपके पेपर के लिए 1 घंटे का दिया गया है, टोटल आपका 20 अंक का एक क्वेश्चन पेपर है। अब चलो जल्दी से मैं आपको इनके आंसर बता देता हूँ ताकि आपको इसको हल करने में कोई दिक्कत ना रहे। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोगों को पता है कि अब एमपी में नई शिक्षा नीति लागू हो चुकी है। अब ऐसे में काफ़ी सारे परिवर्तन किए गए हैं, जैसे कि आपके हर महीने टेस्ट लिए जाएंगे और आगे सुनने में आ रहा है कि अब आपके मासिक मूल्यांकन इसी तरह से चलते रहेंगे हर साल। अब चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका ये जो टेस्ट पेपर है इसका आपको सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट करना है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, इसमें एक अनसीन ये पेसेज दिया गया है जो कि आपकी पुस्तक में से लिया गया है, लेंचो वाले पार्ट में से, और इसको हल करने के आपको 2 अंक मिलेंगे। अब चलो जल्दी से मैं यहाँ से आपको इनके आंसर बता देता हूँ। तो देखिएगा यहाँ से आप लोग इसका पहला क्वेश्चन पढ़ सकते हो, क्या लिखा है, व्हाट डिड लेंचो थिंक अबाउट द थ्राउट द नाइट। तो देखिएगा इसका जो राइट आंसर आएगा ना आपके फर्स्ट वाले क्वेश्चन का, यह सी नंबर का आ जाएगा, द हेल्प ऑफ गॉड। तो यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर को नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन, व्हाट डज द फ्रेश लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ एन मैन इम्पली अबाउट हिज कैरेक्टर। तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा, ही वाज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड द हार्ड वर्किंग। तो यहाँ से आप सब लोग प्यारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन के आंसर को नोट कर लें, और यहाँ पर मैं आपको ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, यहाँ तक कि आपके जो अथवा में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी का भी सॉल्यूशन आज मैं यहाँ से आपको बताने वाला हूँ। तो इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब चलो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें यहाँ पर आपको कोई भी 3 क्वेश्चन हल करने हैं जो कि आपके 2 अंक के हैं। अब चलो जल्दी से हम इनके आंसर देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये लिखा है, व्हाट वाज लेंचो रिएक्शन अपॉन रिसीविंग द मनी। जब लेंचो ने वो पैसा प्राप्त किया तो उसका क्या रिएक्शन था, ये आपको बताना है। तो देखो इसका आंसर आ जाएगा, ही वाज एंग्री बिकॉज ही हैड डिमांडेड 100 पीसो एंड ही गोट ओनली 70 पीसो। तो देखो ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर लिखा है, यहाँ से आप सब लोग इसको देख लीजिएगा और पूरा का इसको अच्छी प्रकार से नोट जरूर कर लें। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, व्हाट वेयर द 2 नेशनल एंथम संग। देखो आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, इसका राइट आंसर आ जाएगा, द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका हैड 2 मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, द ब्लैक एंड द वाइट्स। और उसके बाद में देखिएगा इस प्रकार से आपको ये पूरा का आंसर लिख देना है। ये इसका आंसर है, ये थोड़ा सा बड़ा है मगर आप लोग आसानी से इसको याद कर सकते हो। तो ये 2 अंक में आपसे वार्षिक बोर्ड परीक्षाओं में ज़रूर पूछा जाएगा, तो इसलिए यहाँ से आप लोग इसको याद जरूर कर लें। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन लिखा है, व्हाट डज करेज मीन टू मैंडेला। तो देखो इसका राइट आंसर बिल्कुल ही सिंपल है, अकॉर्डिंग टू मैंडेला करेज इज विक्टोरी ओवर फियर। तो यहाँ से आप लोग इसको याद कर लें, मैंने यहाँ पर आपको इसका आंसर बता दिया। अब इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, देख सकते हो, व्हाट वाज लेंचो अपसेट आफ्टर द हेल स्टॉर्म। तो यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। अब चलो मैं जल्दी से आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। तो देखो इसका आंसर कुछ इस प्रकार का आएगा, लेंचो सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस बिकॉज हिज क्रॉप्स वाज टोटली डिस्ट्रॉयड बाय हेल स्टोन्स। तो यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर को अच्छी प्रकार से याद कर लीजिएगा। अब चलो मैं आपको आगे ही क्वेश्चन और इनके आंसर बता देता हूँ। तो देखिएगा यहाँ पर आपसे जो क्वेश्चन नंबर 3 था, इसमें 2 अंक के 2 क्वेश्चन इसमें से पूछे गए थे। अब चलो जल्दी से हम इन सभी के आंसर देख लेते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इनसाइट चेंज द पोएट्स मूड इन द पोएम द डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो का ये क्वेश्चन है, चलो अब जल्दी से हम इसके आंसर को देख लेते हैं। तो देखो आंसर आपको ये यहीं पर उपलब्ध करवाया गया है, आप सब लोग यहाँ से इस प्रश्न के आंसर को देख लें और अच्छे प्रकार से पूरा इसको नोट भी कर लें ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इसको लिख कर आ सके। अब इसके बाद में देखो ये वाला क्वेश्चन, हाउ डज द टाइगर टेरीफाई द विलेजर्स। देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, द टाइगर टेरीफाई द विलेजर्स बाई द बेरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज एंड द मेकिंग एंग्री साउंड्स। देखो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद में हम आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन था,
व्हाट डू फायर फायर एंड आइस स्टैंड फॉर इन द पोएम फायर एंड आइस। देखो यहाँ से देख ले, फायर स्टैंड फॉर हैट्रेड इन द पोएम, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं आपको फायर का बता चुका हूँ और यहाँ पर देखो आइस का और पूछा गया है। तो चलो फायर का तो ये हो गया, अब आइस का और लिख देते हैं क्योंकि इसमें दोनों का पूछ लिया। फायर स्टैंड फॉर इन द पोएम, तो देखो फायर का तो ये मैंने आपको बता दिया, अब चलो मैं आपको आइस का और बता देता हूँ। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपको कुछ भी नहीं करना है, इसमें दो वर्ड चेंज करने हैं आपको, आगे लिख देना है आइस और इसके बाद में स्टैंड और इसके बाद में फोर, आइस स्टैंड फोर डिजायर, क्या लिख दोगे डिजायर इन द पोएम, ठीक है ना। तो ये आपका इसका राइट आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब चलो हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। वाई वाज डॉक्टर हैरियट वरीड अबाउट टर्की, तो देखो इसका राइट आंसर ये आ जाएगा। यहाँ से आप सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर को अच्छे से कंप्लीट जरूर कर ले। अब चलो जल्दी से मैं आपको आगे की क्वेश्चन और उनके आंसर बता देता हूँ। तो देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, व्हाट डज द थीफ गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क, तो देखिएगा इसका राइट आंसर ये आ जाएगा। यहाँ से आप लोग देख ले पूरा का पूरा और इस क्वेश्चन के आंसर को भी आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उनके आंसर मैं आपको बता चुका हूँ। अब चलो आपके आगे के पेपर को भी समझ लेते हैं। तो देखो इसकी अथवा में पूछा गया था, वाई वाज डॉक्टर हैरियट कॉन्फिडेंट दैट टर्की विल बी इन हॉस्पिटल, तो देखो इसका राइट आंसर ये आ जाएगा। यहीं पर आपको ये इसका आंसर उपलब्ध करवाया गया है। और अगर प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों को ये अच्छे से समझ में नहीं आया हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या क्या चीज़ें और आपको इसमें से समझनी है। चलो अब इसमें पाँचवें का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, वुड यू लाइक सम कॉपी, तो देखो इसमें आपका सम आ जाएगा। और दूसरे में आपको क्या करना था, दिस इज़ द बुक विच आई बाउट यस्टरडे, तो देखो यहाँ पर आपको विच लिखना था, ठीक है ना। उसके बाद में देखिएगा यहाँ पर आपको आपका जो क्वेश्चन नंबर बी था पाँच का, इसमें आपसे डुएट डायरेक्टेड पूछे गए थे। तो देखो पहला ये था डुएट डायरेक्टेड, इसमें आपको एडजेक्टिव क्लोज बनाना था। तो देखो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ से आप लोग इसके आंसर को देख लें। अब इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर दो जो था ना इसका, ही हैज़ बीन लिविंग हियर फॉर 2 ईयर्स, तो देखो इसमें आपको क्या करना था, यहाँ पर आपको नोट लगा देना था क्योंकि इसमें नेगेटिव बनाने का कहा गया था। अब इसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग प्रश्न नंबर छः को देख लें, इनमें से किसी भी एक के ऊपर आपको पैराग्राफ लिखना था 50 शब्दों में। अब चलो जल्दी से हम यहाँ पर पैराग्राफ को देख लेते हैं। तो देखो ये मैंने जो पैराग्राफ आपको बताया है सेव ट्री के ऊपर बताया है, तो चलो जल्दी से हम सेव ट्री के पैराग्राफ को देख लेते हैं। तो देखिएगा ये रहा आपका पैराग्राफ, आप लोग यहाँ से इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको आपको केवल टेस्ट पेपर के रूप में आपको जो परीक्षाओं में ये पेपर दिया जाएगा टेस्ट आपके स्कूल में, उसमें इसको लिख देना है, ठीक है ना प्यारे विद्यार्थियों। अगर आपको प्यारे विद्यार्थियों ये सॉल्यूशन वाली पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल के लिंक मैंने यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ पर मैं आपको ये पूरी की पूरी पीडीएफ बिल्कुल मुफ्त में उपलब्ध करवा दूंगा, तो वहाँ पर आप लोग ज्वाइन जरूर हो जाए। तो देखो ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया और आपको इसी प्रकार से हमारे चैनल पर सभी विषय का सॉल्यूशन उपलब्ध करवाया जाता रहेगा, तो इसलिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें, जिसकी लिंक मैं यहाँ पर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद जय भारत।